दोस्तों महफिल का इहतमाम करना भी बड़ी बात है, इसे कामयाब करना इससे और बड़ी बात है। अब तवज्जो से सुन, एक तरह क़िबला आलमा साहब तवज्जो बदली साहब, आप हमारी जमात अहले सुन्नत के नादे में आला हैं और मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है आज हमारी सदारत कर रहे हैं आप। जुमला बड़ा अजीम दे रहा हूँ, आपसे भी दुआ लूंगा, अलामा साहब से भी दुआ लूंगा। एक तरफ प्यास थी, दूसरी तरफ पानी था, अरे जो पानी पीने वाले थे वो मर गए, जो प्यासे थे वो आज तक जिनका अकीदा वो बोले हुसैन हमारा, इस हुसैन का नारा हो लगवा जिंदा हुसैन। जिनके पास पानी था वो मर गए, कोई बता सकता है यजीद की कब्र का निशान? बोलो नहीं। वो यजीद को अमीर मानने वाले, अरे बेईमान तेरा कैसा अकीदा है, कभी सफे यजीद में कभी सफे हुसैन? सुभान अल्लाह, ये भी अकीदा है ना? मरना है तो एक था पर, या यजीद को अब्बा बना ले या हुसैन को अपना आका बना ले। हाँ हाँ, सुन्नी तुझे मुबारक हो, हमारा वो अकीदा पाक है। हमें पता है कि कब्र में भी मैदान महशर में भी इनका साथ हमारे काम आने वाला। अब जो जुमला छिपा के बैठा था उसकी तरफ ना जा रहा हूँ, अब खुदारा बेगौरी न करना, माशाल्लाह मैं मुतमैन होकर पढ़ रहा हूँ। बड़ा संजीदा मजमा और बड़ा तना मजमा, आपने फरमाया, अलामा साहब ने फरमाया, जो जमीन का टुकड़ा मेरे महबूब को चूम रहा है, फरमाया जिस प्यार की नजर से मेरा रब उस जमीन के टुकड़े को देखता है, उस प्यार की नजर से काबा बैतुल्लाह को भी नहीं देखता। और तवज्जो, आपने फरमाया जो जिस जो जमीन का टुकड़ा मेरे महबूब के कदमों को चूम रहा है, रब उस प्यार से जिस तरह उस जमीन के टुकड़े को देखता है, उस प्यार से अर्श को भी नहीं देखता, उस प्यार से कुर्सी को भी नहीं देखता। अब मैं नतीजे पे आ गया हूँ, अब तेरी मर्जी बैठ के दाद दे, मैं फिर भी राजी, तेरी मर्जी उठ के दाद दे, जिसके दिल में हुसैन की जितना मोहब्बत होगी उतना कर देगा। अब जुमला टूटा नहीं, दोस्तों की तवज्जो हट गई, रमेश साहब भी हट करें, अब जुमला तू सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह तेरी दिल है रूहानी तौर पर, मदीने भी चलने रूहानी तौर पर, करबला भी चलने। जुमला सुन, खुदा रा देना कर देना, अरे वो जमीन का हिस्सा जो मेरे महबूब को चूम रहा है, जिस नजर से प्यार की नजर से रब उस जमीन के टुकड़े को देखता है, उस प्यार की नजर से काबा बैतुल्लाह को भी नहीं देखता। अरे हुसैन तो वो है जो महबूब के कद्दू का सवाल है।
जरा ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। मेरा हुसैन तो वो है, अरे तवज्जो, जो महबूब को चूम रही है मट्टी, उस प्यार की नजर से जो रब देखता है, उस प्यार की नजर से काबा बैतुल्लाह को भी नहीं देखता। जब हुसैन आमना के लाल के कंधों मुबारक पर सवार होता होगा, रब फिर और कौन सी प्यार की नजर से देखता होगा। सुभान अल्लाह। एक जुमला और भी सुन चलो। जिस महबूब जमीन का टुकड़ा जो महबूब के कदमों के बोसे ले रहा है, रब उसे इतना प्यार से देखता है, पता नहीं आका हुसैन को कितना प्यार से देखता होगा। अब तवज्जो से, अरे जो महबूब के कंधों पर सवार हो गए वो महबूब जिसे कंधों पे उठा ले वो भी, बोलो बोलो, वो भी लाजवाब है, और जिसके कंधों पर खुद सवार हो जाए वो भी, वो भी लाजवाब है। आए सिद्दीक, तेरी अजमत को सलाम हो, तू अल्लाह पाक ने तुझे कैसा मकाम अता किया कि तूने आमना के लाल को कंधों पे। सुभान अल्लाह। तेरी अजमत को सलाम हो, रब ने कैसा तुझे इज्जत दी कि तूने आमना के लाल को, दोनों जहान की दौलत को अपने कंधों पर उठाया था। अब आप प्यार है, जरा मैं चाहता हूँ अगर मैं ये नुक्ते देता रहूं तो ये रात बीत जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ चंद मिनट के लिए हम जरा रूहानी तौर पर करबला न चले, चले तैयार है? आप मेरा साथ छोड़ेंगे तो नहीं, उठ कर जाएंगे तो नहीं, इख्तिताम तक बैठेंगे? और ख्याल करना मस्जिद में बैठे हैं, सब वादा करते हैं, सब देना। इमाम अली मुकाम वो है जिससे रब भी प्यार करता है। आमना के लाल किस तरह प्यार फरमाते हैं? किबला मदीने शरीफ का शहर है, जनाब हजरत इमाम हसन मासूमियत का आलम है, जनाब हजरत इमाम हुसैन की मासूमियत का आलम है, इन दोनों शहजादों का बचपन का आलम है। अब मेरी तरफ ध्यान देना, मैं रूहानी तौर पे आपको दो मिनट के लिए जरा मदीने ले चलता हूं। दोनों का मासूमियत का आलम है, साथ करीब खातून जन्नत बीबी फातिमा तो जहरा इन दोनों शहजादों को मोहब्बत भरी निगाह से देख रही है और खुश हो रही है।